अभी जो है दोस्तों रात के जो है वो 7:30 बज रहे हैं और खाने की तैयारी चल रही है डेरे में। तो आज जो है खाने में बन रहा है चावल और बन रहा है चिकन। चिकन पार्टी चल रही है आज भाइयों की, और एक भाई जो है वो यहाँ पे खाने की तैयारी कर रहे हैं और एक भाई जो हमारे वो दूध निकाल रहे हैं भेड़ बकरियों से। तो भी आपको दिखाते हैं रोज का सिस्टम। बकरियां दूध दे बंद है यहाँ भेड़, मतलब जो भी बकरियां हैं उनका सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है इस टाइम पे। इनके बच्चे बेचे होते ना हम। अच्छा जी, सीधे बेची थे कुछ, सीधे मतलब मरी जंदे। अच्छा जी, उनका दूध निकाल लेते निकालते और तो बच्चे सारे पी जाते हैं। तो मतलब जो बच्चे दोस्तों मर गए होते हैं ना, या तो जो बेच दिए हैं या मर गए हैं, तो उन्हीं माओ का जो है वो फिर दूध खुद निकालते हैं। नहीं तो जो बच्चे अभी जिंदा है वो तो दूध खुद ही पी लेते हैं ना, उनको पिला देते हैं। और कुछ बच्चों की जो माएँ होती हैं वो मर गई होती हैं, तो उनको भी ये खुद दूध खुद पिलाएंगे उनको निप्पल लगा के। हाँ, जैसे छोटे बच्चों की बॉटल है वैसे इन्होंने बॉटल रखी हुई है, तो उसके थ्रू ये इनको दूध पिलाएंगे। और आज की रात तीसरी रात होगी आपकी यहाँ पे, है ना जी। तो कल का तो फिर पता नहीं है, क्योंकि ये सुबह सुबह ही प्रोग्राम बनता है कि जाना है डेरा छोड़ के या फिर नहीं जाना है। तो इनको घास पात मिलना चाहिए चुग के, मतलब ना। जी जी जी, तो उसकी वजह से हम रुक जाते हैं, घास नहीं होगा तो चल पड़ेंगे फिर। हाँ, मतलब जो भेड़ बकरियां हैं दोस्तों, एक्चुअल में ऐसा हो रहा है कि जो बारिशें हैं ना वो बारिशें नहीं हो रही हैं, उसकी वजह से क्या है कि जो घास है वो इनको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल, जो कोहरा होता है जो आजकल ओस और कोहरा होता है उससे जो घास जल जाता है, तो वो इनके काम नहीं आ रहा है। तो इसके लिए ना इन्हें जो बहुत जल्दी जल्दी जो जगह चेंज करनी पड़ती है। बिल्कुल, अगर मौसम मतलब टाइम से बारिश हो जाए तो अच्छा घास निकलेगा ताज़ा फ्रेश, तो एक जगह भी ये फिर काफ़ी टाइम बिता सकते हैं। तो अभी जो है भाई ढूंढ रहे हैं अपनी भेड़ बकरियों में से कि और किसका दूध निकालना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा टैलेंट है कि इनको पता होता है कि कौन सी बकरी का दूध निकालना है, क्योंकि हमें तो सब कोई एक जैसी लग रही हैं। और ये देखो आप, इनकी ऊन है दोस्तों, उसमें कितने सारे जो हैं वो कांटे लगे हुए हैं। लोकल भाषा में इसको बोल देते हैं हम लंब झिंगड़े चिंजड़े झिंजड़े लगे हुए हैं। तो ये भाग जा रहे हैं, देखो ये वाली बकरी है भाई, इसका दूध जो है निकालना है। तो ये देखो इसके बालों में क्या लगा हुआ है, कितने जंगल में पूरे बाल भर चुके हैं, मतलब इसका कलर ही चेंज हो गया है। बिल्कुल, झड़ जाएंगे बाद में। अच्छा, खुद ही झड़ जाते हैं ये? झड़ेंगे। ठीक है, अब ऐसा हो गया ना। हाँ जी, पहले जंगलों में ऐसा कूड़ा कपाड़ कम होता था, लंब कम होता था। अच्छा, जब लोग मतलब जाते थे घास वगैरह तो साफ सफाई भी होती रहती थी। इसका भी कम था, अभी ऐसा उबड़ खबड़ी हो रहा है ये। ठीक है, तो जो घास है वो भी कम हो गई है। हाँ जी, बहुत कम हो गया घास, जो काम की घास है। हाँ जी, जैसे आपके खेती बाड़ी में ऐसे जी रुपये में घास होता, कितना बढ़िया घास होता। हाँ, पहले वो खत्म हो गया। बिल्कुल, उसकी वजह से बकरी की जो मतलब चराई है वो खत्म हो गई, उसका गरना अच्छी बेल अच्छा, जैसे हम कोई नाज खाते हैं बढ़िया बना के, वो जो इनका खान पान खत्म हो चुका। ठीक है, हाँ ऐसे पड़ गया, झिंझड़े चंझड़े ऐसे ऐसे इसको लंब लूब को खा रही है। और दोस्तों ये जो जंगली बकरी होती है ना, मतलब ये जंगलों में चरती हैं, तो इनका दूध जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है, क्योंकि आम जो घरों में पालते हैं ना वो तो नॉर्मल घास वगैरह हजारों प्रकार की खाएगी। हाँ, ये जो होती हैं कि पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं और कहाँ कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ जो है ये डेली खाती हैं, तो वो दूध जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। तो इनके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और इस दूध को जो है मैक्सिमम जो है वो कच्चा ही पीते हैं। उबालने से बोलते हैं कि इसमें जो मतलब पौष्टिक होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो ये लोग जो हैं वो कच्चा ही दूध पीते हैं। और चाय तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये नमकीन चाय पीते हैं मैक्सिमम, जिससे इनका गला जो वो ठीक रहता है, क्योंकि पूरा दिन जो है इन्होंने बड़े ज़ोर ज़ोर से हल्ला मचाना होता है भेड़ बकरियों को पकड़ने और भगाने के लिए। तो अभी चलते हैं डेरे की तरफ, भाई जो हैं दूध निकाल रहे हैं और एक भाई जो है यहाँ पे मसाला तैयार कर रहे हैं चिकन के लिए।
चावल इन्होंने चढ़ा दिए कुकर में, बनी है भाई कट दे वो प्याज पूज कटे दुए। ला 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 चल चल देखो इन्होंने काट दिया प्याज अदरक और आज बनेगा इनका चिकन। चावल जो है वो तैयार हो गए हैं, कुकर इन्होंने उतार दिया है और ये देखो ये मिट्टी का लेप लगाते हैं ये, जिससे जो कुकर जो वो काला नहीं होता है चूल्हे के ऊपर। तो जब आप यहाँ पे 6 महीने आ जाते हैं और 6 महीने आप घर में रहते तो उस टाइम घर पे खेती खुती भी होती है कुछ? क्या क्या खेती करते हैं? मक्की धान बीजते हैं। अच्छा, और गेहूँ भी होती, कणक गेहूँ भी होती है, गेहूँ बीजी अभी। तो ज्यादा जो है वो धान की फसल होती है आपके वहाँ की? गेहूँ मक्की होती है, मक्की की ज्यादा होती है आपके वहाँ। तो खाते भी आप मक्की की? क्योंकि हम बेच देते हैं, अब ज्यादा लोग खाते नहीं है। आते कहाँ है, वो मक्का मिलता है, दूसरा बीज मिलता है, वो हाइब्रिड। हाँ, मतलब वो टेस्ट नहीं रह गया, टेस्ट नहीं जो घर के होते थे पहले, उसको बेच देते हैं। हाँ, खाते हैं कभी, यानी कि जो होगा यानी कि 10-15 और 10 क्विंटल भी जाए हो जाएगी। हाँ, तो उसमें कभी ऐसी होती है 15-20 किलो खाएंगे वो, बाकी बेच देंगे। बेच देंगे, ठीक है ठीक है। और धान भी अपने होते हैं, होती है फसल, होते हैं तो धान कम होते हैं। हाँ, मक्की ज़्यादा, ठीक है। गेहूँ होती है, गेहूँ ठीक होती है, हो जाती है ठीक मौसम के हिसाब से है, मतलब ठीक है जी। अगर मौसम ठीक रहा तो ठीक हो जाएगी फसल। हाँ, ये ठीक रहा तो तुम्हारे को पता ही है, तो बर्बाद भी है वो तो है। तो आजकल भी देखो कणक की फसल है पर पानी चाहिए, तो आज बारिश नहीं हो रही है। बारिश नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, है ना, खत्म हो जाएगी फसल, नहीं होगा। और ऐसे पानी लगाएंगे उससे थोड़ी होगी वो। हाँ, वो तो मौसम भी वैसा चाहिए ना, बारिश का जो होगा वो अलग अलग ही अलग चीज है वो तो। ये छोटा सा बच्चा, इसको लग रही है ठंड और ये आके बैठ गया आग के पास, लेकिन ये बोलते हैं कि ज़्यादा इनको आग अच्छी नहीं होती है, तो इसको थोड़ी देर सेकने के बाद भगा देंगे यहाँ से। जड़ी है ना।